हेलो गाइस, घर की किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इडली पिज़्ज़ा। और ये उसके लिए रख दिया हमने गैस पे कढ़ाई, और थोड़ा सा डाला हमने इसमें देसी घी, और थोड़ी सी सब्जियाँ काट ली हैं। सब्जियाँ आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने तो एक प्याज और बाकी हरी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी काटी हैं। एक हरी मिर्च भी डाल दी है काट के उसके अंदर। गाजर और टमाटर सब डाल दिया है, जो भी मेरे पास था सब्जियाँ। और थोड़े से डाले हैं हमने इसमें स्वीट कॉर्न, और ऊपर से डाल दिया है हमने थोड़ा सा नमक, और बाकी डाल दे रहे हैं हम थोड़ी सी ऑरेगानो। और कुछ नहीं डाला है मैंने गाइस, क्योंकि हम शेजवान चटनी लगाएंगे ना, उसमें भी ऑलरेडी सारे मसाले पड़े रहते हैं। अब उस पर गैस पर चढ़ा दिया है हमने पैन, और ऊपर से लगा दी है जाली स्टैंड रख के, और ढक्कन लगा दिया उसको गर्म होने के लिए। अब हमने डाल दिया एक कटोरी में थोड़ा सा सॉसेस, शेजवान चटनी और टमाटो सॉस, और साथ में ले लिया हमने चीज़। और स्टफिंग ही हमारी बनके तैयार है, बिल्कुल ठंडी होने के लिए रख दी है हमने। इधर हमने ले लिया है अपनी इडली। इडली गाइस मैंने कल बनाई थी और बची हुई पड़ी थी, मैंने सोची क्यों ना इसको थोड़ा सा अच्छे से टेस्टी बना के खाया जाए। और ये तो बनने के बाद सब बच्चों बड़ों को सब बहुत पसंद, अच्छे से पसंद आती है। आइए आप भी ऐसे बना सकते हैं। और स्टफिंग हमने भर दी है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा दी है। अब हमने इसको आराम आराम से पकड़ के पूरी जाली में रख देते हैं बढ़िया से, और ऊपर से लगा दिया है हमने ढक्कन। लो भाई, भी हमारे छोटे छोटे पिज़्ज़े बन के तैयार हो गए हैं गाइस। आप भी ऐसे बना के खा सकते हैं, और अपने बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं गाइस। और देखने में देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये, बहुत बढ़िया। थैंक यू।